खिड़की खुली थी, लेकिन घर वालों का तो कहना है कि शायद खिड़की बंद थी। शायद शायद प्रोसिक्यूटर महोदया, शायद बहुत ही विशाल शब्द है जिसके दायरे में बहुत कुछ आता है। वास्तविकता की बात करें, वास्तव में उस रसोई घर की खिड़की खुली थी। और आप ये बात कैसे जानते हैं? क्योंकि पटेल परिवार के रसोई घर की खिड़की पश्चिम दिशा में है और रसोई घर का द्वार पूर्व दिशा में है। तो ये कि पवन जो है सवेरे सवेरे वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, जिसके कारण चूल्हा जलाते ही चूल्हा बुझ जाता है। उस दिन भी ऐसा हुआ था ना सरजू, ठीक कह रहा हूं मैं? जी साहब, 3 बार गैस बुझी थी, पर उसके बाद भी लौ हवा से हिल रही थी। आप सही है साहब, खिड़की खुली थी। ओके, पाठक साहब मान लेते हैं कि खिड़की खुली थी, लेकिन खिड़की पर कोई था नहीं जो देखे कि अंदर क्या हो रहा है। सही कह रहे हैं आप कि खिड़की के बाहर जो था उसने केवल देखा नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, बल्कि जो हुआ उसका कर्ता धरता भी वही है। खिड़की के बाहर खड़े होकर उसी व्यक्ति ने माचिस की तीली जलाकर अंदर फेंकी, जिसके कारण अवनी जी के दुपट्टे में आग लगी। सीरियस? सोचिए जरा पाठक साहब, अवनी और खिड़की के बीच में कम से कम 10-12 फुट का तो फासला होगा। जी जी होगा। तो फिर इतनी दूर से माचिस आकर लगेगी और अवनी के कपड़ों में आग लग जाएगी, दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, हम तो स्कूल में क्या करते थे। अच्छा, आप नहीं कर सकती? आप भी कर सकती है, कोशिश कीजिए। देखिए पाठक साहब, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए। So sweet. मैं ट्राई करके देखूंगी कि माचिस जाती है कि नहीं इतनी दूर। माचिस? ओ, आप पीते नहीं। जी। सरजू भी था। सरजू, माचिस। नहीं। देखो तुम्हारे मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही, माचिस जेब में होगी। देखो, कम ऑन। सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए पाठक साहब। जी 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 जी। ट्राई करती हूँ, मैंने कभी किया नहीं। जरा जोर लगा के हैया। ओके, जोर लगा के हैया। ये तो थोड़ी ही दूरी पर गया, ज्यादा फर्क नहीं है। राइट, वो क्या है ना अभियोग पक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ एक जनाना नजाकत काम आती है, और कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ मर्दाना शक्ति काम आती है, ताकत काम आती है। अपनी शक्ति दिखाइए। आइए आइए आइए, तो जरा और दूरी बढ़ा है। होगी होगी अब 15-16 फीट की दूरी। Your Honor, इसी प्रकार संभव होता है दो पात्रों की कहानी में तीसरे पात्र का आना, जिसने खिड़की पर खड़े होकर माचिस की तीली उड़ाई, जिसके कारण अवनी जी के दुपट्टे में आग लगी और आग लगने से उनकी मृत्यु हुई। और वो तीसरा यारों घर का ही कोई सदस्य था। सरजू, वैसे तुम भी तो उस दिन सरजू घर ही में थे। नहीं साहब। नहीं मतलब हाँ। हाँ या ना? मतलब हाँ हाँ
हम घर में थे पर रसोई के पास नहीं थे। हमारा इस कांड में जरा भी हाथ नहीं है साहब। नहीं, नहीं, रोना मत सरजू। ये बताओ कि वो जो मिट्टी का तेल तुम लाए थे घास लिए टकेरों से, तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मालकिन ने ही तुम्हें कहा था? जिस बिना पर तुम अपनी मालकिन पर शक भी कर रहे हो, संदेह भी कर रहे हो, इन्हीं ने कहा था तुम्हें लाने? जी हाँ। तो क्या मुंह जुबानी कहा था कि सरजू जाकर बाजार से घासलेट ले आओ, ऐसा कहा था तुमसे? नहीं नहीं कहा था, पर रोज हमको पर्ची पे लिख के बाजार से सामान लाने के लिए कहती है। अच्छा, उसी पर्ची में बाकी सामान के साथ 5 लीटर घासलेट भी लिखा था। तो मिसेस पटेल ने तुम्हारे सामने पर्ची लिखकर तुम्हें हाथों में दी और कहा कि इस पर्ची में जो लिखा है ले आओ? अरे नहीं, रोज सुबह लिख देती है, फ्रिज पर लगा देती है। हमने वो पर्ची फ्रिज से ही निकाली थी। राइट, तो ये वो पर्ची और ये लिखावट मिसेस पटेल की है। क्या बात है अभियोग पक्ष महोदय, आपने मेरे मन की बात पढ़ ली। मैं बस सरजू भाई से पूछने ही वाला था कि वो पर्चा है कहाँ, और आपने, बहरहाल जो भी हो, शक्कर 2 किलो, चाय पत्ती 500 ग्राम, आलू 2 केजी, प्याज 2 केजी, घास पेट 5 लीटर, ये आपकी लिखावट है मिस पटेल? जी हाँ, पर ये आखिर में जो घास पेट, ये मैंने नहीं लिखा है। झूठ मत बोलिए मिसेस पटेल। क्रोधित क्यों हो रही है? अभी दूध का दूध घासलेट का घासलेट हो जाए। अरे पाठक साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए, आप सबूत को इस तरह से मिटा नहीं सकते, प्लीज। उफ़ो। मैं सबूत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा, मैं सबूत को उभार रहा हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप इस पर्चे को देखिए। अब पहली जो 4 आइटम है, शक्कर, चाय पत्ती, आलू और प्याज, ये अभी भी यूं ही बरकरार है। किंतु ये आखिरी आइटम घासलेट, ये थोड़ा सा फैल गया है, धुंधला होने लगा है योर ऑनर। इसका अर्थ ये हुआ योर ऑनर कि पहली 4 आइटम बॉल पॉइंट पेन से लिखी गई है, इसीलिए नहीं फैली। आखिरी घासलेट माइक्रो टिप इंक पेन से लिखी गई है, इसीलिए वो लिखावट फैल गई है। अब योर ऑनर, एक ही पर्चे पर मिसेस पटेल 2 कलम का इस्तेमाल क्यों करेंगे? दो कलम यानी कि 2 व्यक्ति, एक मिसेस पटेल और दूसरा वो जो मिसेस पटेल को फंसा रहा है इस केस में। हम नहीं, हमको तो लिखना भी नहीं आता है, और नहीं दुलारी को। तो फिर बचा कौन? मिसेस पटेल को जो भी फंसा रहा है वो कौन है फिर? उनका अपना पति, उनका अपना बेटा, उनकी अपनी बहू? पाठक साहब जरा सोचिए, कोई अपना इन्हें फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? घर का अपना ना सही, घर का कोई पराया। योर ऑनर, मैं मिस्टर प्रमोद कदम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। प्रमोद जी, आप अवनी जी के बहुत पुराने मित्र हैं, कॉलेज के दिनों के। जी, बट एक्चुअली सर, मेरी बहन सविता अवनी की बेस्ट फ्रेंड थी। आपकी बहन सविता अवनी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो फिर क्यों अवनी के मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद उनके मोबाइल फोन पर आपके नंबर से किए गए अनेक कॉल दर्ज हैं? क्यों ऐसा? हाँ सर, वो एक्चुअली मैं उसकी तबीयत पूछने के लिए उसे फोन करता था, दोस्त होने के नाते। और मिस्टर पाठक, मुझे नहीं पता था कि वो गुजर चुकी थी। एक्चुअली उस दौरान मैं दिल्ली में था। अच्छा, दिल्ली से आया मेरा दोस्त। ये
कुछ अद्भुत लगा मुझे कि उनकी मृत्यु से पहले भी दिन प्रतिदिन आपने इतने कॉल किए उन्हें, पर एक भी कॉल आपका उन्होंने उठाया नहीं, आपसे बात नहीं की। स्पष्ट है कि आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती थी। जी जी, अब पता नहीं। अरे पता होना चाहिए, आप प्रेम करते थे अवनी से। प्यार नहीं सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे लिखा हुआ है प्रमोद जी, यहां आपके हाथों पर। योर ऑनर, बताइए जिससे प्रेम न करें उसका नाम क्यों गुदवाए हाथों पर? जी सर, मैं अवनी से प्यार करता था, पर सर ये प्यार सिर्फ एक तरफा था। एक तरफा प्यार, एक तरफा प्रेम, एक तरफा जुनून, वेरी डेंजरस। और यही जुनून आपको उसके घर तक खींच लाता था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी आप उनके घर के बाहर थे या नहीं? हाँ सर, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसको मारा है। नहीं प्रमोद जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने उन्हें मारा है? हाँ पर सर मैं आपको बता सकता हूँ कि उसे किसने मारा है। रियली किसने? एक्चुअली सर, अवनी मेरी बहन सविता को अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स बताती थी, और एक दिन मैंने सविता को कहते सुना, अवनी प्लीज तुम रोना बंद करो, तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो फिर शरद का क्या होगा? एक बार तुम लोगों का अलग फ्लैट हो जाए फिर तुम्हारी सास ठीक हो जाएगी और उसके ताने भी बंद। क्या तुम्हारे ससुर भी? मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे साथ है, पर अच्छा कब? सर अवनी के पीछे उसकी सास ही नहीं बल्कि उसके ससुर भी थे। वरना वो क्यों उनकी शिकायत करती? ये भी वजह है उसकी मौत के पीछे। मैं बताता हूं कि अवनी मेरे बारे में बुरा क्यों सोचने लगी थी। सौदामिनी की वजह से, उसी ने मुझे उसके पास भेजा था ये कहकर कि अवनी तुम्हारा ज्यादा आदर करती है तो तुम उसका मन बदलने की कोशिश करो। कौन है? बेटा कुछ बात करनी थी, अंदर आ सकता हूँ? अरे पापा आइए ना। अवनी बेटा, तुम मुझे अपने पापा की तरह समझती हो ना? बेटा तो एक विनती करनी थी आपसे, आप लोग प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। बेटा शरद को समझाओ ना, हम सब सुलह करके साथ में रहेंगे, और मैं भी सौदामिनी को समझाऊंगा ना। पापा मुझे नहीं लगता शरद अब अपना मन बदलेंगे। तो तुम उसे समझाने की कोशिश करो ना, मुझे पक्का भरोसा है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। देखिए पापा, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहती, पर सच तो ये कि अब मुझसे भी माजी के ताने और नहीं सुने जाते। अब तो मैंने भी अपना मन बना लिया है, लेकिन पापा आप कुछ ऐसा वैसा मत समझिए, हमारे दूर हो जाने से आपके दिल से थोड़ी ना दूर हो जाएंगे। और फिर आप देखना, दूर होने के बाद दोनों परिवारों में नजदीकियां और बढ़ जाएंगी। दो परिवार? बेटा मैंने तो हमेशा इस परिवार को एक ही परिवार समझा है, जो बहुत गलत हो रहा है। बेटा तुमने आज मुझे मायूस कर दिया। पापा पापा। सर अब आप ही बताइए, क्या इतनी छोटी सी मायूसी के लिए क्या मैं इतनी घिनौनी हरकत कर सकता हूं? नहीं सर, सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने अवनी को नहीं मारा। पर फिर सर उस दिन तो मैं रसोई घर में भी नहीं था। नहीं नहीं, रसोई घर में तो आप नहीं थे, लेकिन हो सकता है रसोई घर के बाहर आप थे, खिड़की पर जहां से अवनी जी के दुपट्टे को आग लगाई गई। नहीं सर, उस वक्त मैं अपने हॉल में था। केतकी सुबह से दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ है, दो बार आवाज दी पर। केतकी,
केड़ी साहब, मैं जब वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। पाठक साहब, प्लीज प्लीज प्लीज, ये बातों को गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। बिना वजह के लिए आप लोगों पर शक कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं ना कि अवनी के कपड़ों पर पहले से घासलेट था, तो why are you not trying to prove के घासलेट आया कैसे, किसने डाला? अरे अद्भुत बात है मिस शर्मा, एक बार फिर से आपने मेरे मन की आवाज सुन ली। यही करने जाने वाला था मैं। पर चलिए, सलाह देने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, माना कि उस दिन अवनी के साथ सिर्फ मैं था कमरे में, लेकिन नहाने के बाद उसने जो कपड़े पहने थे वो सरजू प्रेस करके लाया था। छोटे भैया, भाभी जी के कपड़े रख दिया। क्या बोल रहे हैं साहब, हमने जब अपनी भाभी के कपड़ों पर प्रेस मारी थी तो उन पर घासलेट का एक छींटा भी नहीं था, लेकिन बाद में हम बता नहीं सकते क्योंकि मेरे जाने के बाद केत की भाभी आई थी अपने कपड़े पर प्रेस करने। सरजू, तूने अपने कपड़े प्रेस कर लिए? हाँ भाभी। ठीक है, तो तू जा यहाँ से, मुझे अपनी साड़ी प्रेस करनी है, जाओ। आइए भाभी, हम कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, पिछली बार तुमने मेरी साड़ी जला दी थी, इस बार मैं खुद ही प्रेस कर लूंगी। और हाँ, तुम्हें अमोद जी बुला रही हैं, जा। अरे जा। पर जब हम ऊपर कमरे में पहुंचे तो बड़े भैया ने कहा नहीं बुलाए थे। हम वापस पलटे, नीचे उतरे और चले गए। भाभी, भैया तो बोल रहे थे कि हमको नहीं बुला रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपनी साड़ी प्रेस की और फिर मैं वहां से चली गई, और अवनी के कपड़ों को तो मैंने छुआ तक नहीं। और शरद ने कहा ना आपसे कि अवनी के कपड़ों पर से घासलेट की कोई बू नहीं आ रही थी, तो मैं या सरजू दोषी कैसे हो सकते? चलिए छोड़िए, ये बताइए कि जब अवनी अपने कमरे से बाहर निकल के रसोई की ओर जा रही थी, तब आपकी वहां रास्ते में भेंट हुई थी, कोई बातें हुई थी अवनी जी के साथ? क्या हुआ? नहीं, अवनी तो मुझसे मिली ही नहीं। शौक? जी, अवनी मुझसे नहीं मिली। अच्छा, और जब आग लगी तब आप कहाँ थी? जी मैं छत पर थी। छत पर क्या कर रही थी? जी मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। तो किसी ने, घर के किसी ने, आसपास के पड़ोसी ने आपको देखा होगा छत पर? वो दरअसल मैं सीढ़ियों पर थी, छत पर जा रही थी। आप इस तरह क्यों घूर रहे हैं मुझे? अवनी मेरी छोटी बहन की तरह थी, उसके जाने से मुझ पर क्या? देखा, मैंने बोला था ना, ये फुल प्लानिंग एक आदमी का नहीं हो सकता है, ये टीम वर्क है, गैंग, फैमिली गैंग, सास ससुर और वो बड़ी बहू, सबने मिलकर वो बिचारी छोकरी को मारा होगा।
और नीचे पुलिस है वरना। केडी प्लीज ये केस छोड़ दो, नहीं तो नेक्स्ट हियरिंग तक ये पूरा क्राउड हमारे ऑफिस के अंदर आ जाएगा। रिलैक्स मिसेस बिलिमोरिया। सर, मुझे तो उस प्रमोद का भी कोई कनेक्शन लगता है। वो संकी आशिक जो अपने ठुकराए प्यार का बदला लेता है। देख वरुण, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, हमारी हर दलील अदालत में महज एक कहानी ही होगी। सबूत हम देंगे केडी साहब। मिस्टर मिसेस शास्त्री आइए प्लीज बैठिए। लोग कुछ भी कहें पर मुझे आपसे कोई गिला नहीं है मिस्टर पाटन। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप तो बस अपना काम कर रहे हैं, सच की तलाश। मिस्टर शास्त्री मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि सौदामिनी ने आपकी बेटी को नहीं मारा। अगर ऐसा होता तो मैं चुप। भगवान के लिए चुप हो जाइए। तो किसने मारा मेरी अवनी को? वहां वहां रसोई में, रसोई में दूसरा कौन था? पैसे लेके आप भी शांत हो जाओ निर्मला। ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो साहब? आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमारी बेटी को उसकी सास ने नहीं बल्कि घर के किसी दूसरे सदस्य ने मारा है। माँ बेटी हमेशा बातें छुपाते थे लेकिन आज सुबह इसने मुझे बताया अवनी के बारे में। पर लोग सिधारने से 4 दिन पहले अवनी ने इससे फोन पे बात की थी। क्या क्या तुझे 20 लाख रुपए चाहिए? पर क्यों बेटा? अरे इतने पैसे मैं तुझे कहाँ से लाके दूँ? माँ वो जो बोरीवली वाला हमारा मकान बिका था उसके पैसे जो लॉकर में रखे हैं 2 महीने के लिए उधार। अरे बेटा वो तो तेरी छोटी बहन की शादी के लिए। लेकिन इतने पैसे की जरूरत किसको आन पड़ी? शरद को। माँ एक नई बिजनेस स्कीम में शरद के पास 20 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो आप प्लीज हमें वो बोले पैसे दे दो। और देखना बिजनेस स्टार्ट होते ही 3 महीने के अंदर डबल प्रॉफिट, और 2 महीने में आपके पैसे भी वापस। सच माँ ये सब बातें मुझे तेरे पापा को बतानी पड़ेगी। माँ 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 प्लीज आप पापा से कुछ मत कहना। माँ आप उनका नेचर जानती हो ना। पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप प्लीज बस एक काम करो, आप वो मुझे लॉकर से पैसे निकाल के दे दो बस। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी बड़ी बात तेरे पापा से नहीं छुपा सकती। अरे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये सब बात उनको पता चल जाएगी ना। बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी माँ, आप नहीं समझ रही हो, प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। अरे क्या मैं नहीं समझ रही हूँ? और कौन सी प्रॉब्लम, और कौन सी दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी तुझे? बता बेटे। काश हमने उसको वो पैसे दे दिए होते तो 20 लाख के लिए मेरी बेटी को मैंने गवा देती। शास्त्री बात पैसों की होती तो पैसों के लिए साहब उसने हमारी बच्ची को मारा, हमने पैसे नहीं दिए इसीलिए साहब। लेकिन शरद ने तो कभी ऐसा कहा नहीं, जताया भी नहीं कि उसे पैसों की आवश्यकता है। पर वो क्यों कहेगा साहब, वो क्यों कहेगा? वो तो अपनी माँ को दोषी ठहरा कर साफ साफ बच रहा है साहब, साफ साफ बच रहा है। शरद। हाँ साहब। क्या मैंने अवनी से पैसे मांगे 20 लाख? कब और मैं क्यों मांगूंगा उससे? तो नहीं हो सकता है एक नया बिजनेस वेंचर। मिस्टर पाठक मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी है, एक मल्टीनेशनल बैंक में सेल्स मैनेजर का काम करता हूं मैं। हाँ वो तो आप हैं, लेकिन हो सकता है नौकरी छोड़कर आप अपना कोई व्यवसाय करें। अरे मिस्टर पाठक मैं ऐसा क्यों करूंगा, अगले महीने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं वो, रहने के लिए फ्लैट गाड़ी ड्राइवर। और आपको लगता है कि मैं ऐसी नौकरी छोड़कर कोई भी बिजनेस शुरू कर दूंगा? वेट अ मिनट, आपको लग रहा है कि मेरी पत्नी अवनी की मौत में उसके मर्डर में मैं मिला हूं? जिस औरत के लिए मैं घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होने जा रहा था उसको मैं मारूंगा? वाह मिस्टर पाठक वाह, सही सोचे आपके, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तो फिर क्या कारण हो सकता है कि आपकी पत्नी ने
उनके घर वालों से झूठ बोल कर रही है। क्यों मंगवाए होंगे 20 लाख रुपए? अब मुझे पता चला कि किसने मेरा नाम लेकर अवनी से पैसे मंगवाए। अमोद भैया ने। उन्हीं के ऊपर बाजार में 20 लाख रुपए की उधारी है। जब उनके खिलौनों का बिजनेस ठप हुआ था तब। जी, मैंने मार्केट से 20 लाख का कर्जा उठाया था एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन फेल हो गया। और वो लोग मुझे धमकाते थे, मेरी नातों की नींद खराब हो गई। इस हालत में मैंने जाकर अवनी से बात की थी। 20 लाख? पर अमोद भैया, मैं कैसे मांगूंगी अपने घर वालों से 20 लाख रुपए? और कोई चारा भी तो नहीं अवनी। पापा से कह नहीं सकता, केतकी के घर से 6 लाख रुपए पहले से लेके बैठा हूं। अब बस तुम ही बचा सकती। मुझे तो जान से मारने की धमकी तक दे चुके हैं दिग्नेश भाई। क्या? लेकिन भैया, मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूंगी? वो लोग तो बहुत घबरा जाएंगे। मेरे नाम से तो वो मना कर देंगे। तुम शरद का नाम हो। शरद तुम्हारे घर का दामाद है, तुम्हारे माँ बाप उसकी मदद कर देंगे। ठीक है अवनी, प्लीज देखो मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं जान ले लूंगा, बस पैर छू रहा हूँ तुम्हारे। भैया प्लीज, आप ही क्या कर रहे हैं? सर, अवनी तो मेरी मदद करना चाहती थी, पर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। पाठक साहब जी, इन सब बातों से अवनी की मौत का क्या लेना देना? सीरियसली, आई होप आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्योंकि अवनी ने इनकी मदद नहीं की, नाकाम रही वो, तो गुस्से में आकर इन्होंने उसे जलाकर मार डाला। I mean, that would be too ridiculous. बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा मैं। मैं ये सोच रहा था कि आपके अनुसार सौदामिनी जी ने अपनी बहू को घृणा और जलन के कारण जलाकर मार दिया, तो फिर क्यों इसी सौदामिनी जी ने अपनी बहुओं के नाम 20 लाख रुपए की FD खोली थी? सही है मेरी बात? जी, केतकी ने एक बार बताया था। क्या ये भी बात सही है कि अगर दोनों बहुओं में से किसी एक बहू को कुछ हो जाता तो वो सारा रुपया, वो सारा पैसा दूसरी बहू को मिल जाता, यानी कि आपकी पत्नी केतकी को? सही है मेरी बात? जी। और फिर वो रुपया आप लेकर के बड़ी आसानी से ये जो ऋण आपके सर पर है जिग्नेश भाई का, वो चुकता कर देते हैं। नहीं, आप सच कह रहे हैं। माना कि अवनी की मौत से फायदा हुआ था, लेकिन हमने उसे मारा नहीं है। पर लाभ तो हुआ आपका। वो लोग तो मुझे परेशान कर रहे थे, और वैसे भी उस दिन मैं रसोई घर में नहीं था, मैं अपने कमरे में था, जिग्नेश भाई से फोन पर बात कर रहा था। जिग्नेश भाई देखिए, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अरे आप भूले मत, जब आपने नया बिजनेस शुरू किया था सूरत में तो मैंने ही आपकी हेल्प की थी, MLA से मैंने बात की थी आपकी। क्या हुआ? योर ऑनर, मिस्टर अमोद बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि जब अवनी जल रही थी ये फोन पर बात कर रहे थे। ये रहे इनके फोन के रिकॉर्ड्स, जिससे साबित होता है कि फोन पर बिजी थे, ना कि आपके मुताबिक खिड़की में खड़े होकर तीलियां फेंक रहे थे। सर, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी भाभी, इनको मुझसे बेहतर कौन जानेगा? उनको अवनी से जितनी भी प्रॉब्लम हो, वो इस हद तक तो नहीं गिरेंगे कि वो उसे मार दे। ये काम सिर्फ और सिर्फ माँ कर सकती है, वही इस हद तक गिर सकती है। तो एक ही बार अपनी माताजी से मिलकर आपने ये फैसला कर लिया? सर, मैं 9 साल का था, I was 9 years old, जब मुझे एक हनीबी ने काटा था। माँ ने गुस्से में आकर उस हनीबी का जो हाल किया था वो आप नहीं जानते।
क्यों रो रहा है बच्चा? हाँ रोते नहीं, देख इसी ने तुझे काटा है ना, हम देख मैं इसका क्या करती हूँ। देख तो बस खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। जो भी मेरे बेटे पर बुरी नजर डालेगा उसका यही हाल होगा, लेकिन तू कभी रोना हाँ ठीक है। उनको एक भयंकर ऑब्सेशन है मेरे लिए, मैं आपको कैसे समझाऊं? एक सलाह देता हूं आपको, अपनी माताजी से मिलिए, विस्तार में उनसे बात करिए, आपको भी विश्वास हो जाएगा कि अपनी को उन्होंने नहीं मारा। साबित कीजिए, प्रूव इट, फिर आपको मुझसे ये सब बातें कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप ये साबित करते हैं कि माँ ने अवनी को नहीं मारा तो आप मुझ पर एक बहुत बड़ा फेवर करेंगे, मुझे माँ पर फिर से भरोसा होगा, एक माँ को अपना बेटा मिलेगा और मुझे अपनी माँ फिर से मिल जाएगी। इट बी अ बिग फेवर। अब जिसने भी ये कांड किया है वो तो बहुत जल्द पकड़ा ही जाएगा, सत्य तो सामने आ ही जाएगा, नो टू वेज अबाउट इट। वो तो आप बेहतर जानते हैं, मैंने जो खोया है वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। I'm sorry, I'm getting late for work. मुझे ऑफिस जाना है। ओके। सर क्या लगता है आपको? वरुण मुझे लगता है कि आजकल बड़ी देखभाल की जा रही है शरद जी की, चमक रहे। मुझे एक बार फिर पटेल हाउस जाना होगा, वहां जाकर पता लगा कि मिसेस पटेल, शरद और अवनी का रिश्ता किसने करवाया था? मैंने। पहले तो घर के सब लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे, पर मुझे पूरा यकीन था कि अवनी से बेहतर बहू हमें मिल ही नहीं सकती। और शरद की क्या राय थी इस रिश्ते को लेकर? शरद भी पहले इस रिश्ते का खिलाफ था। क्यों हुआ? खिलाफ क्यों था? वो छोड़िए कि डिजर्व, बीती बातें हैं। बीती बातें दोहराने से शायद आप पर जो बीती है वो सुधर जाए मिसेस पटेल। बोलिए क्यों खिलाफ था? शरद किसी और से प्यार करता था। पर वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। क्यों? मुझे वो लड़की चरित्रहीन लगती थी। रेणुका में क्या खराबी है? अच्छा ही क्या है ये बता। ना कुछ आगे है ना पीछे है, ना खानदान का था पता, और तो और बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं। तुझे ध्यान है माँ से किस तरह से उसने गंदी तरह से बात की थी? शरद वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। भाभी वो जैसी भी है मुझे पसंद है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा, और ये बात आप माँ से कह दीजिए। देख शरद, माँ के रहते हुए तो वो लड़की इस घर में आ नहीं सकती, तू जानता है ना माँ को, वो बहुत जिद्दी। अगर माँ जिद्दी है तो मैं कम जिद्दी नहीं हूं, मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। तू माँ बाप को छोड़ देगा एक लड़की के लिए? पर मुझे बहुत खुशी हुई थी जब शरद ने मेरी बात मान लिया। भैया मैं अवनी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं माँ को सूरत फोन करता हूँ, सुनकर बहुत खुश हो। जी हाँ माँ सही कह रही है, शादी से पहले मैं एक गलत लड़की के प्यार में पागल हो गया था। अवनी का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकती थी। ये क्या है? आप इसे पहनिए। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे ये तो ठीक से प्रेस भी नहीं हुई है। अरे चलता है अवनी, इट्स ओके। नहीं नहीं फर्क पड़ता है,
आपकी हर चीज ना परफेक्ट होनी चाहिए और ये मेरी जिम्मेदारी है। पर मुझे पहननी तो यही है। अच्छा ठीक है लाइए, इसी को दोबारा से प्रेस कर देती हूँ। चलो तुम इतना कह रही हो तो मैं सरजू को कह दूंगा, वो आयन कर देगा। सरजू से? आपकी शादी सरजू के साथ हुई है क्या? मुझे अच्छा लगता है ना आपका सारा काम करना। हाय माँ जी। अम्मी, ये थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं तुम्हें। ओके, तो अब आपका ब्याह के बाद उस गलत लड़की से कोई संपर्क नहीं रहा? जी नहीं। शादी से पहले मैंने रेणुका से सारे संबंध तोड़ दिए थे। सारे संबंध आपने तोड़ दिए? जी। वैसे सर पटेल, सुना है मैंने कि आजकल आप अपने घर में नहीं रह रहे। कहाँ रह रहे हैं आप? मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ। अंधेरी में। अंधेरी में? जी। ओके, क्या है आपके दोस्त का नाम? मिस्टर पाठक, मेरे दोस्त के नाम से इस केस का क्या लेना देना है? Yes, Your Honor. He is absolutely right. इस बात का इस केस से कोई लेना देना है ही नहीं। Your Honor, मेरे प्रश्न का इस केस से लेना देना न होता तो मैं ये प्रश्न पूछकर अदालत और अपना समय व्यर्थ न करता। उत्तर दीजिए। चलिए ये बताइए कि आपका ये जो दोस्त है जिसके साथ आप आजकल रह रहे हैं, ये पुरुष है या स्त्री? ये कैसा सवाल है? नहीं, उचित प्रश्न है, उत्तर दीजिए। पुरुष है, अरविंद ठक्कर। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप मिस्टर पटेल? क्योंकि आजकल आप अंधेरी में अरविंद ठक्कर के साथ नहीं, मलाड में रेणुका श्रॉफ के साथ रह रहे हैं। रह रहे हैं या नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मिस्टर पटेल, उस दिन जब आप मेरे दफ्तर पधारे थे तो नया शर्ट, जेब में नया रुमाल, जूते बिल्कुल चमकते हुए, हाथ में घर के खाने का टिफिन। अब आप ही बताइए, जिसकी पत्नी का हाल ही में स्वर्गवास हुआ हो, क्या उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी नियंत्रित होगी? आपकी बल्कि नियंत्रित ही नहीं, सुधारी हुई थी मानसिक और शारीरिक स्थिति। ऐसा तो तभी होता है जब एक व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है, प्रेम की चमक का लौ। सच तो ये है मिस्टर पटेल कि आप तब भी और अब भी रेणुका श्रॉफ से ही प्यार करते हैं। Am I right or am I right? मैं मानता हूं मैं उससे प्यार करता हूं। और अब मैं उसे शादी भी करना चाहता हूं। मिस्टर पाठक, की मेरा ज्यादती मामला है, उसका अवनी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है मिस्टर पटेल, लेना देना है, क्योंकि आप अब नहीं, हमेशा से रेणुका से ही प्यार करते थे, उसी से शादी करना चाहते थे। लेकिन जब आपकी माता जी ने संबंध का विरोध किया तब आपने इनका खेल इन्हीं पर पलटा। आपने इनकी पसंद की हुई लड़की अवनी से शादी की और सोचा कि 6 महीने में इसे मारकर रास्ते से हटा देंगे और उस हत्या का आरोप माता जी पर डालेंगे ताकि वो भी रास्ते से हट जाए। और आपका ये जो प्रेम की गली है ये साफ हो जाए, और ऐसा ही आपने किया। राइट? व्हाट नॉनसेंस! अगर मुझे रेणुका से शादी करनी होती तो मैं पहले ही घर छोड़ देता। हाँ, घर छोड़कर चले जाते, लेकिन ऐसा करने से आप अपने बाप की करोड़ों की जो कियत है उससे भी तो बेदखल हो जाते। आपको दोनों चाहिए, प्रेम और पैसा, लोभी हैं आप। अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि अवनी को मैंने मारा है?
लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है मिस्टर पाठक, एंड यू डोंट इवन नो द फैक्ट्स। उस दिन रसोई में सिर्फ माँ और अवनी ही थी। क्षमा चाहता हूँ मिस्टर पटेल, ये संभव है कि उम्र होने के कारण मेरी स्मरण शक्ति जरा कमजोर हो गई हो, किंतु जहां तक मुझे याद है अवनी जी के कपड़ों पर घासलेट आप ही ने डाला था। और चूंकि वो नहाकर गीले बदन बाहर निकली थी, वो अपने कपड़ों पर लगी घासलेट को महसूस नहीं कर पाई। उनकी नाक बंद थी, इसीलिए केरोसिन की बू भी नहीं सूंघ पाई। पाठक साहब, आपके पास क्या सबूत है कि शरद ने ही अवनी के कपड़ों पर घासलेट डाला था? शर्मा, ताज्जुब हो रहा है मुझे, ये तीसरी बार इस केस के दौरान आपने मेरे मन की आवाज सुन ली। मैं बस सबूत की बात ही करने वाला था। सबूत, सबूत है ये दिया। इस दिए को पहचानते हैं आप मिस्टर पटेल? ये मेरे मंदिर का दिया है। तो आपके मंदिर का दिया है ये? आपने अपने कथन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कहा है कि जिस समय अवनी नहाकर बाहर निकली, आप अपने कक्ष में, अपने मंदिर में दिया जला रहे। हाँ, तो ये मिस्टर पटेल के उसके बाद अवनी को आग लगी, आप अवनी को अस्पताल लेकर गए, अपनी मां को दोषी ठहराया, अपने घरवालों से लड़कर आपने घर छोड़ा। उस समय में ना, उस समय के बाद किसी ने आपके मंदिर को या आपके मंदिर में रखे दिए को छुआ, इसीलिए फॉरेंसिक्स ने उस दिए पर आपकी उंगलियों के निशान पाए। अब शर्मा पूछने वाली हैं कि दिए पर आपकी उंगलियों के निशान होना क्या बुरी बात है, जबकि आपने स्वयं कहा है कि आप दिया जला रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है तब तक जब तक कि फॉरेंसिक्स उंगलियों के निशान के साथ साथ योर ऑनर घासलेट की ट्रेसेस न पाए, किंतु यहां फॉरेंसिक्स ने घासलेट के ट्रेसेस पाए। वो इसलिए मिस्टर पटेल, क्योंकि उस घर में आप इकलौते थे जिसने अवनी के जलने से पहले उस घासलेट को छुआ था। छुआ नहीं, अवनी जी के कपड़ों पर छिड़का था। इतना कुछ कहने के बाद भी आप चुप हैं। एक काम करते हैं, आपकी प्रेमिका रेणुका श्रॉफ जी को यहां बुलाते हैं। हो सकता है कि एक मर्द की ताकत था जिस सच को बांधे हुए है वो एक औरत की नजाकत न बांध पाए और सच बाहर आ जाए। क्या करें मिस्टर पटेल, बुलाएं आपकी प्रेमिका रेणुका को यहां, तोहीन करें उनकी अदालत में? हाँ, मैंने अवनी को बुलाया। मैंने खून किया अवनी का।
मैंने अम्मे को मारा और अम्मे अपनी माँ को भी मैंने ही फंसाया। वो कासल कासल लेकर लूट लेकर पर ये सारा प्लान रेणु का है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, उसने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। माँ हम दोनों की शादी के खिलाफ है, बल्कि उन्होंने तो एक लड़की भी पसंद की है मेरे लिए। मैं वो घर छोड़ रहा हूँ रेणु का। ये बेवकूफी तुम नहीं कर सकते हो शरद, क्योंकि जिस दिन तुमने वो घर छोड़ा उसके अगले ही दिन वो लोग प्रॉपर्टी में से तुम्हारा नाम कटवा देंगे। कटवाने दो, मेरी सैलरी काफी हम दोनों के लिए। आजकल की नौकरी का क्या भरोसा, और क्या तुम्हारा जॉब तुम्हें वो लाइफस्टाइल दिला सकता है जो तुम्हारे पापा का बिजनेस दे रहा है? तुम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो तुम क्या चाहती हो रेणुका, कि मैं अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ शादी कर लूं? हाँ, क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लो। कि तुम क्या कह रही हो रेणुका, तुम पागल हो गई? What is wrong with you? मैं पागल नहीं हुई हूँ शरद, मैं जो कह रही हूँ वैसा करो। अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लो। वो क्या नाम है उसका? अवनी। अवनी, अवनी से शादी कर लो और उसे इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि हर किसी को लगे कि तुम इस शादी से बहुत खुश हो और मुझे भूल गए हो। फिर 6 महीने बाद हम अपनी चाल चलेंगे। चाल? कैसी चाल? मैं सच कहता हूँ, उसने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। मुझसे कहा था कि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहता हूँ, उसने मुझसे कहा था। उसने कहा था कि ऐसे जताना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ताकि जब असल कांड हो किसी को मुझ पर शक ना हो। क्या ये तुम क्या कह रही हो रेणुका? मैं अवनी को मारकर उसके उसके खून का इल्जाम अपनी माँ पर डाल दूँ? इससे बेहतर उपाय और नहीं हो सकता है शरद। अगर तुमने अवनी को छोड़ भी दिया ना, तो तुम्हारी मदर मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए मेरे आने से पहले तुम्हें अवनी के साथ अपनी माँ को भी उस घर से निकालना होगा। मेरी और अवनी के बीच में तो तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने प्यार और अपनी माँ के बीच में से किसी एक को चुनना है। तो बोलो, क्या चाहते हो, अपनी माँ को या मुझे? लेकिन रेणुका, मैं अवनी को कैसे मार सकता हूँ? मैं बताती हूँ, सास बहू की सदियों पुरानी दुश्मनी का फायदा हम उठाएंगे, अवनी को जिंदा जलाकर, और उसका सारा इल्जाम होगा तुम्हारी माँ पर। और फिर कुछ महीनों बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं तुम्हारे घर में बहू बनकर आ जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारी, घर तुम्हारा, जायदाद तुम्हारी और जीत तुम्हारी। बोलो शरद, तुम क्या कहते हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज। सर मैं कुछ नहीं किया। मिस्टर पटेल, प्रेम से तो रिश्ते जोड़े जाते हैं, आपने प्रेम की खातिर रिश्ता तोड़ दिया। उम्मीद करता हूं कि आप आगे प्रेम करने वालों के लिए उदाहरण बने। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत शरद पटेल के इकबाल जुर्म के बाद शरद पटेल और रेणुका श्रॉफ को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। और मिसेस सौदामिनी पटेल को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
माँ हार गए। जन्म के बाद कुछ ही वर्ष बच्चा माँ की गोद में रहता है, उसके बाद सदा माँ के दिल में रहता है। इस दिल को मत तोड़िए, प्रॉमिस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।